आशुतोष वर्मा, सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर किया कि 2017 से पहले तो गुंडा राज था, माफिया राज था, वही माफिया माफी मांगता फिर रहा है अब। नहीं गौरव सावंत जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं और जिस तरीके से सिलेक्टिव भाषण देते हैं उससे आप सबको पता है गुंडा राज कहाँ चल रहा है। आपको पता है इस देश का गृह राज्य मंत्री किसानों पे गाड़ियां रौंद देता है, उसको 3 दिन तक उसका बेटा पकड़ा नहीं जाता है, उसका इस्तीफा देने वालों की बात नहीं सुनी जाती है, विधायक दल का जो इनका विधायक है वो सरेआम लड़की का रेप करता है, उसका पिता मार दिया जाता है, तो जहां लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। मतलब ये अपने आप एक बहुत मजाक है। और ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? क्या गुंडों का नाम भारतीय जनता पार्टी है? उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से वो भूल गए हैं क्या? क्या टाइटल देख के नाम गुंडे तय करेंगे? प्रेम शुक्ला जी, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। 2017 से पहले की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि अपने गृहबान में नहीं झांक रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिलों का प्रभार जो है गुंडों के हाथ नहीं करती। मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, फलाना डॉन है, धमका डॉन है, हर जिले में कोई ना कोई डॉन समाजवादी पार्टी के शासनकाल के समय कुख्यात हुआ करता था। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर जिला जो है अपने उत्पादों के नाम पर प्रख्यात हो रहा है। तो ये अंतर, और जिस तरह से जो है माफिया डॉनों के चंगुल से हजारों एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिस तरह से तमाम डॉन जो है उनके अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई, जिस तरह से डॉन और उनके आसपास के लोगों के खिलाफ सतत कार्रवाइयाँ हुई, उसका परिणाम है आज कानून एवं व्यवस्था की स्थिति। आप सामान्य व्यक्ति से जाकर उत्तर प्रदेश में पूछ ले, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, नहीं तो गायत्री प्रजापति बलात्कार करके सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंच साझा करते थे और सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ता था लोगों को FIR दर्ज कराने। बुलंदशहर में बलात्कार हो जाता था तो बलात्कार पीड़िता किसी तरह घिसटते घिसटते अगर पुलिस थाने पहुंच जाए तो आजम खां कहते थे कि हमारी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। सुप्रिया श्रीने जी, क्या आज आम आदमी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है? यह दावा है भारतीय जनता पार्टी का, परिवारवाद का आरोप है विपक्ष पर कि 2017 से पहले केवल अपना ही फायदा किया था। अभद्र और मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही हंस हंस के बलात्कार के बारे में बात कर सकता है, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। ये रेप पर राजनीति थोड़ी बंद कर देनी चाहिए सबको, कहीं तो औरतों का सम्मान करिए। आपके घर में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं ये, आप जरा प्लीज बीच में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। गौरव, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। गौरव जी, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग है, फिर मुझे भी आप आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपत्तिजनक शब्दों, गाली वाली बाई जो है केवल ये गाली बक रही है। नहीं नहीं, गाली गाली वाली बाई गाली बक रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा दोनों से निवेदन है, गलौज क्यों कर रहे हैं? निवेदन है दोनों से, क्यों गाली गलौज? मैंने तो गाली नहीं दी, अपना पक्ष मैंने तो गाली नहीं दी जी। ये गाली क्यों दे रही है? केवल केवल सुप्रिया जी गाली क्यों दे रही है? केवल अपना पक्ष रखे सुप्रिया जी, और फिर प्रेम शुक्ला जी उसका उत्तर देंगे। गौरव, इफ यू आर एंकरिंग द शो तो जैसे मैं बीच में चुप रही, आप दूसरे को भी चुप कराइए। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, केवल सुप्रिया श्री ने बोलेगा। गाली बकने के लिए चुप, गाली कोई नहीं देगा, गाली कोई नहीं देगा। मेरा निवेदन यही है, बिल्कुल मेरा निवेदन यही है, अभद्र टिप्पणी कोई ना करे। सभ्य डिबेट है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी जी मत रखिए अपना। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दावा है, नरेंद्र मोदी सरकार का यह दावा है डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। उत्तर दीजिए, सवाल सुन लिया है जी। मैं अपना मत रख रही हूँ और एक औरत होने के नाते इस अभद्रता से रेप पर बात बिल्कुल नहीं हो सकती है नेशनल टीवी पर, जो फिस फिस हंस हंस के बात यहाँ पे करी जा रही है, मैं उस पर गहरी आपत्ति जताती हूँ। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, वाल्मीकि समुदाय के लोग सारे देश में इसको उत्सव मना रहे हैं। आगरा में उत्सव नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि उनका एक साथी पुलिस हिरासत में मार डाला गया है, क्योंकि पुलिस के मारखाने से कोई 25 लाख की चोरी हो गई थी। वहां पर लोग न्याय चाहते थे, उनसे प्रियंका गांधी मिलने जाना चाहती थी, वो अपने घर से निकल के जिस जिले में जाती है वहां पर 144 लग जाती है, आगरा में 144 लग गई, कुशीनगर में लगी 144, जहां पर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। और प्रधानमंत्री जी महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, अरे दोषी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी की मौत पर भी बोल दीजिए।